देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूं का एक्सपोर्ट किसानों, निर्यातकों और राष्ट्र के हित में है। भारत से गेहूं और अन्य उत्पादों का निर्यात सभी के लिए लाभदायक है। एक्सपोर्ट के लिए रेल मंत्रालय आवश्यक रैक उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से गेहूं निर्यात बढ़ाने की मंशा से अवगत करवा चुके हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में निर्यातकों से बातचीत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में विश्व बाजार में गुणवत्तापूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार निर्यातकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। मध्य प्रदेश का गेहूं एमपी वीट के नाम से जाना जाता है। वहीं निर्यातक को एक्सपोर्ट की मात्रा पर भुगतान की जाने वाली मंडी फीस की रिइंबर्समेंट का काम राज्य सरकार करेगी। निर्यातकों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के गेहूं के अधिक से अधिक एक्सपोर्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने साथ ही सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं की एक अलग पहचान है। एमपी 360 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करवाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक्सपोर्ट संबंधी प्रक्रिया की अड़चनों को दूर किया जाएगा। वहीं वर्तमान में हाई एक्सपोर्ट क्षमता देश जैसे टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तंजानिया आदि के बाजारों तक भारतीय एम्बेसी के सहयोग से पहुंच बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वह विभिन्न पोर्ट ट्रस्ट गेहूं के निर्यात के लिए तत्कालित भंडारण के प्रबंध और गेहूं के जहाजों को प्राथमिकता के लिए सहमत है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार निर्यातकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि मुख्य निर्यातक मध्य प्रदेश से जुड़ जाए। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय दूतावास गेहूं के रिकॉर्ड निर्यात के लिए प्रसारित हैं। वहीं निर्यातकों को मंडी शुल्क की वास्तविकता रिवर्समेंट के अलावा क्लीनिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग का खर्च भी मिलेगा। अतिरिक्त गेहूं के स्टॉक का प्राथमिकता से निर्यात प्रदेश के शासकीय गोदामों को उपलब्ध करवाने पर बैठक में भी चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से 400 बिलियन डॉलर के वाणिज्य निर्यात के लक्ष्य को लेकर प्रयासरत हैं। वहीं केंद्र सरकार निर्यात बढ़ाने के उपायों पर कार्य कर रही है। इस सिलसिले में निर्यात संवर्धन परिषद और संबंधित संस्थाओं के प्रयास तेज हुए हैं। मध्य प्रदेश के गेहूं के निर्माण से किसानों को अधिक समृद्धि का कार्य भी होगा। मध्य प्रदेश के शरबती गेहूं और अन्य किस्मों की अलग पहचान है। इस वर्ष भी गेहूं का बम्पर स्टॉक उत्पादन हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश प्रति वर्ष 360 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो गया है। यह महीने में गेहूं की विशेष किस्मों के लोकवन शरबती या मालवा शक्ति सुजाता की खरीदी किसानों से मंडियों में की गई है। प्रदेश की जलवायु और यहाँ की मिट्टी के कारण इसे सोने के दानों जैसे गेहूं कहा जाता है। शरबती गेहूं एवं डुप्रम गेहूं की काफी ज्यादा यहाँ मांग है। प्रदेश की प्रमुख मंडियों में निर्यातकों को रियायती दर पर एक्सपोर्ट आधारित और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अस्थायी तौर पर जमीन और अन्य सुविधाएं देने का आकलन किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता और पहचान को विश्व के बाजार में स्थापित करने का यह दुर्लभ अवसर भी है। नई दिल्ली में निर्यातकों के साथ बैठक के बाद इसी उद्देश्य से आज भोपाल में ये बैठक बुलाई गई। चौहान ने कहा कि हम निर्यात के लिए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे। तो अभी बड़ी खबर में बस इतना ही। बने रहिए और खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।